हेलो एवरीवन, आज हम फंगी के जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। फंगी एक प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर वर्ड है फंगस। फंगस वर्ड फंगर लैटिन वर्ड से बना है जिसका मीनिंग होता है टू फ्लॉरिश। स्टडी ऑफ फंजाई को हम माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी में माइकेस वर्ड का मीनिंग है मशरूम। मशरूम हम जानते हैं कॉमन फंगस है, और जो माइकोलॉजी की स्टडी करते हैं उनको हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। फंगी एक क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स हैं, ये हेटेरोगैमस प्लांट ग्रुप है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थैलस यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर हो सकता है, या एमेबॉइड प्लाज्मोडियल माइसीलियम भी हो सकता है। इसके अलावा फिलामेंटस माइसीलियम होता है जिसमें एसेप्टेट या सेप्टेट कंडीशन हो सकती है। सेप्टा एबसेंट होगा तो एसेप्टेट, और प्रेजेंट होगा तो सेप्टेट कहा जाएगा। ये सबस्ट्रेट में एम्बेडेड हो सकते हैं या आउटसाइड भी ये ग्रो कर सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है, एक काइटिन से बनी होती है जिसको हम फंगल सेलुलोज कहते हैं। ये इंसेक्ट काइटिन से डिफरेंट होता है, प्लस ओमाइसिटीज में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। इनमें यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और लोअर क्लासेस में मोटाइल सेल्स पाई जाती हैं तो फ्लैजिला उनमें प्रेजेंट होता है। यहाँ पर यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। माइसीलियम होमोकैरियोटिक या हेटरोकैरियोटिक हो सकता है। दोनों न्यूक्लियस अगर जेनेटिकली सिमिलर होते हैं तो होमोकैरियोटिक कहा जाता है, या जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं तो हेटरोकैरियोटिक कहा जाता है। लाइफ में डाइकैरियोटिक फेज कुछ समय के लिए रहती है जब एक ही सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही थैलस पर हों तो हम होमोथैलिक कंडीशन कहते हैं, और डिफरेंट थैलस पर हों तो हेटरोथैलिक कंडीशन कही जाती है। यहाँ पर क्लोरोफिल एब्सेंट होने के कारण हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये सेप्रोफाइट, पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट या सिम्बायोटिक होते हैं। ये यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तरीके से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिशन या बर्डिंग के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे स्पोर बनते हैं इसमें, स्पोर एंजियोस्पोर, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर एंड कॉनिडियोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में साइटोप्लाज्म मिक्स होता है दो सेल्स का। कैरियोगेमी में उनके न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन आती है, सिनकैरियन बनता है, और उसके बाद में मियोसिस होता है जिससे वापस हैप्लॉयड स्टेज आ जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन टाइप होते हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी। आइसोगैमी में दोनों गैमेट्स एक जैसे होते हैं, एनाइसोगैमी में डिफरेंट होते हैं, और ओगैमी में यहाँ पर एग बनता है। यहाँ पर लाइफ साइकिल मोस्टली हैप्लॉन्टिक टाइप की होती है जिसमें मेन जो थैलस है वो हैप्लॉयड है जिस पर गैमेट्स बनते हैं। प्लाज्मोगेमी होती है जिससे बाइन्यूक्लियेट कंडीशन आ जाती है कुछ समय के लिए, जिसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। फिर कैरियोगेमी होती है जिसमें दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, और डिप्लॉयड स्टेज जायगोट आती है जिसमें मियोसिस होता है और मियोस्पोर बनते हैं जिससे वापस थैलस बनता है। तो इस तरीके से फंजाई में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती रहती है। आज हमने फंगी के जनरल कैरेक्टर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको पसंद आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।